मेघा को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। देखो बिटिया, हमारा लड़का बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल गाय है, जितना पूछोगी उतना ही जवाब देगा, आंख उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखेगा वो। मेरी तरफ तो चाय पीते हुए 17 बार देख चुके हैं। तुम्हारा गणित तो बहुत तेज है बिटिया, तुमसे तो शादी करनी है ना, इसलिए तुम्हें देख लिया होगा। वैसे रमन अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है, मरने से पहले मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने पोते का मुंह देख लूं। आंटी, आप बिस्किट थोड़े कम खाइए, वरना आपकी शुगर और भी बढ़ जाएगी। अच्छा याद दिलाया बिटिया। मेघा और रमन ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और उनकी शादी हो गई। मेघा की सास मालती मेघा का बहुत ख्याल रखती थी। बहू, अभी तक सो रही हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। ओ, थैंक यू सो मच सासू माँ। मम्मी, आपने मेरे लिए तो कभी इस तरह बिस्तर पर चाय नहीं दी, और भाभी के लिए रोजाना नौकरानी की तरह चाय बना रही हो। ज्यादा आलसी ना बनाइए उन्हें, वरना कल को आप ही के सर पर नाचेगी। अरे बेटी, आज नहीं तो कल बहू माँ बनेगी, तब हमें बहू का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। शादी के 2 साल बीत गए। मालती बेसब्री से अपनी बहू के माँ बनने का इंतजार कर रही थी। बहू, तुम्हें उल्टियाँ वगैरह आती है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मुझे उल्टियाँ क्यों आएंगी? अरे मेरा मतलब वो वाली उल्टियाँ। कौन सी वाली उल्टियाँ सासू माँ? अरे पगली, तू तो कुछ नहीं समझती, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? बच्चे वाली उल्टियाँ तुझे हो रही है या नहीं? नहीं माँ जी, मुझे ऐसी कोई उल्टियाँ नहीं हो रही है। एक दिन जब मेघा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी सास उसके पेट पर हाथ फिरा रही है। ये क्या कर रही है माँ जी, दूर हटिए। चेक कर रही हूँ बहू, तेरे पेट का साइज बढ़ा या नहीं बढ़ा। मेघा की सास अब अक्सर मेघा के पेट को चेक करने लगी। मेघा कोई भी काम करती तो मालती का ध्यान उसके पेट पर ही रहता था। मालती बार बार मेघा को पेट पकड़कर देखती। बस करिए माँ जी, ये आप क्या करती रहती हैं? आप हमेशा मेरे पेट की तरफ मत देखिए, मुझे अजीब सा लगता है। मालती एक दिन पड़ोस वाली कमला से बोली, टेंशन ना लो, कभी कभी प्रेगनेंसी में टाइम लगता है, जल्दी पेट बढ़ाने के कुछ उपाय मैं तुम्हें बताती हूँ। अगले दिन जब मेघा सोकर उठी तो उसके तकिए के ठीक ऊपर एक भारी भरकम पपीता टंगा हुआ था। माँ जी, इतना भारी पपीता मेरे सिर के ऊपर किसने टांग दिया? मैंने टांगा है। इस पपीते को देखकर तू पपीते का सपना देखेगी रोज, और फिर तेरा पेट जल्दी ही बाहर आ जाएगा। एक रात रस्सी टूट गई और पपीता सीधे मेघा के सर पर गिरा। आ, मर गई, मेरा तो सर ही फूट गया। मेघा ने पपीता उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। कान खोलकर सुन लो माँ जी, मेरे सिर के ऊपर आज के बाद कुछ भी मत टांगना। मेघा की सास फिर भी नहीं मानी। एक दिन फिर जब मेघा सोकर उठी तो उसने देखा उसके पैरों में लंबे लंबे बांस बंधे हुए हैं। माँ जी, आप पागल हो गई हैं क्या? ये क्या कर दिया आपने? अब मैं चलूंगी कैसे? मेरी डायबिटीज बढ़ती जा रही है, अगर तेरा पेट नहीं बढ़ा तो मैं बिना अपने पोते को देखकर ही मर जाऊंगी। कुछ दिन तुम इन बांसों के सहारे चलोगी, ये तुम्हारी प्रेगनेंसी में मदद करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं और उमा तुम्हें चलना सिखाएंगे। मालती और उमा मेघा के हाथों को रस्सी से पकड़कर उसे चलाने की प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन रस्सी टूट गई और मेघा मुंह के बल गिर पड़ी। उसके माथे पर चोट आ गई। सासू माँ, ये सब आपकी मूर्खता के कारण हुआ है। अब मैं माँ बनूं या ना बनूं,
लेकिन आपके द्वारा बताया गया कोई भी पागलपन नहीं करूंगी। माँ, मुझे लगता है भाभी बांझ है, इनका पेट कभी बाहर नहीं आने वाला। घर से बाहर निकल जा बहू, मैंने अपने बेटे से तेरी शादी इसलिए कराई थी कि तू मुझे पोता या पोती देगी। अगर पहले पता होता कि तू बांझ है तो मैं कभी रमन से तेरी शादी नहीं करती। तू मेरे घर से बाहर निकल जा, मैं रमन की दूसरी शादी करूंगी। जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर ही कमी हो। पहले मैं और रमन जांच कराएंगे, उसके बाद ही पता लगेगा कि असलियत क्या है। मेघा और रमन की जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि मेघा के अंदर कोई कमी नहीं है। रमन की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम के कारण मेघा माँ नहीं बन पा रही है। अब कहो सासू माँ, मैं बांझ होती तो तुम मुझे बदलकर अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेती। अब क्या अपने बेटे को भी बदल सकती हो? मालती का सर शर्म से झुक गया था। माफ करना बहू, मैं पोते की चाह में बिल्कुल पागल हो गई थी। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, पोता हो या ना हो, लेकिन तुम और रमन खुश रहो, यही मेरी इच्छा है। सुनीता नाम की एक किसान जम्मू के छोटे से गांव में रहती थी। शादी के 2 साल बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था। सुनीता के खेत में मुश्किल से बस इतनी खेती होती थी कि अकेले उसका गुजारा हो पाए। देखो सुनीता बहन, मैं मानता हूँ कि एक समय था जब इस पिस्ता के पेड़ से बहुत फायदा होता था, पर अब ये पेड़ मरने की कगार पे है। इसके ऊपर अपना समय और पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? ये पहला पेड़ है जो मैंने और हितेश ने लगाया था इस खेत में। आपको पता है ये पेड़ मेरे दिल के कितने करीब है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं राजू भाई, और वो भी हितेश के दोस्त होते हुए? बहन, तुम ये भी तो सोचो कि इस पेड़ को काट के तुम बेच दोगी तो तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। तुम्हारा घर पैसों से चलता है कि हितेश की यादों से? एक रात को जब सुनीता सो रही थी, उसे अपने खेत में कुछ आवाज आई। उसने बाहर जाके देखा तो कुछ बदमाश गांव वाले उसके खेत से पेड़ और पौधों की चोरी कर रहे थे। बदमाश पिस्ता के पेड़ तक पहुँचे और उसे काटने वाले थे। सुनीता उनकी तरफ चिल्लाते हुए भागी, पर वो बदमाश पिस्ता के पेड़ पे अपनी कुल्हाड़ी मार चुके थे। उनके पीछे भागते हुए सुनीता अपने सर के बल गिर गई। दूसरी सुबह सुनीता ने देखा कि पेड़ स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। उस पिस्ता के पेड़ में बहुत सारे पिस्ता के फल लगे हुए थे। सुनीता ने एक बड़ी टोकरी में सारे पिस्ता के फल तोड़ के रख दिए और सोचा कि दूसरी सुबह बाजार में बेचने जाएगी। सुबह पिस्ता की टोकरी के बगल में एक और टोकरी थी। सुनीता ने बाजार में सारे पिस्ता बेच के काफी ज्यादा पैसे कमाए। दूसरे दिन फिर से सुनीता ने 2 टोकरी पिस्ता के फल तोड़े और अगली सुबह वहाँ 4 टोकरी थी। हे भगवान, ये पिस्ते का पेड़ तो एक अजूबा है, और मैं आपका लाख लाख शुक्रिया करती हूँ इस अजूबे को मेरी जिंदगी में लाने के लिए। सुनीता, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब मैं तुमको फल नहीं दे रहा था तब भी तुमने मुझे काट के नहीं बेचा। अब मेरी बारी है तुम्हारा ख्याल रखने की। राजू सुनीता से मिलने आता है। सुनीता बहन, कौन सी लॉटरी लग गई आपकी? कोई लॉटरी नहीं लगी है भाई साहब। याद है मैंने कहा था कि ये पेड़ हितेश की निशानी है, तो बस उसी का कमाल सोच लो। हितेश का कमाल? मैं कुछ समझा नहीं। सुनीता राजू को जादुई पिस्ता के पेड़ के बारे में बताती है। राजू अपने घर चला गया, पर उसके दिमाग में वो जादुई पिस्ता के पेड़ की बात रह गई थी। उसने सोचा ये पिस्ता का पेड़ अगर उसको मिल जाता
तो वो जिंदगी भर बैठे बैठे पैसे कमा सकता है। राजू ने पिस्ता का पेड़ काटा। राजू पेड़ को अपने खेत में लगा के खुश हो गया। राजू एक टोकरी पिस्ता निकालने गया, पर वो सड़े हुए पिस्ता थे। दूसरी सुबह राजू को दो टोकरी सड़े हुए पिस्ता मिले। जब से पिस्ता का पेड़ लगाया था, तब से राजू के खेत के बाकी पौधे भी सड़ने लगे थे। उसने सोचा कि सुनीता की जिंदगी बर्बाद करने की वजह से उसे ये सजा मिली है। वो सुनीता को जाके सब सच सच बता देगा और फिर शायद उसके खेत ठीक हो जाए। राजू जब सुनीता के खेत पहुंचा, तो सुनीता और भी ज्यादा खुश लग रही थी। राजू भैया, अच्छा हुआ आप फिर से आ गए। पिछली बार जिस दिन आप आए थे, उसके बाद तो मेरी जिंदगी पलट गई। आप यकीन नहीं करोगे कि उस पेड़ के नीचे से चार नए पेड़ उग गए। अब मेरे पास चार जादुई पिस्ते के पेड़ हैं, और हर रात को मैं जो चार टोकरी पिस्ते लेकर आती हूँ, वो दूसरी सुबह आठ टोकरी बन जाती है। राजू को ये बात सुनके अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जमीन पे बैठ के अपना सिर पीट पीट के रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी की किस्मत अलग होती है, और किसी और का बुरा करके हम अपनी भलाई कभी नहीं कर सकते।